प्यारे बच्चों, प्रिय साथियों, आज का दिन हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के इसरो ने चंद्रयान को भेजा था। आज वो चंद्रयान लगभग कुछ घंटों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उसको बिल्कुल आराम से ये सफल लैंडिंग मिले। और ख़ास बात यह है कि हमारे कुछ इसमें ऐसे मकसद हैं जिसमें हम सब दुआएं करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो वो चंद्रयान, जिसको हम बोले विक्रम लैंडर, चंद्रमा की सतह को चूमकर प्यार से उस पर लैंडिंग करे। दूसरा मकसद, उसमें से जो निकलेगा प्रज्ञान रोवर, वो आराम से चंद्रमा की सतह पर एक अच्छी तरह से उसको मापे। और तीसरा, जब वो वहाँ पर चलेगा, घूमेगा, मापेगा, तो वहाँ से अच्छे अच्छे फोटो भेजे, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वहाँ पे क्या क्या उपस्थित है। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए हमारे पास वहाँ से लगातार फोटो आए। हम अगर सब भारतवासी इसके लिए अपनी तीसरी शक्ति से दुआ करें तो पूरा विश्वास है कि इसमें हमको सफलता तो मिलेगी और हमारा देश विश्व में एक विशेष स्थान स्थापित करेगा। नए कीर्तिमान के साथ भारत को अलग इमेज से देखा जाएगा। हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत एक तो आपस की ये प्रार्थना और दूसरा पेशेंस। रशिया ने भी भेजा था लेकिन वो फेल हो गया था, लेकिन हमारे लिए एक तो पेशेंस तो ही ताकत, और एक देखिए हम इस भारत माता के पुत्र हैं, ये हमारी माता है और वो हमारे चंदा मामा है। इसका मतलब ये एक बहन और भाई का प्यार का संबंध बताने वाला त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है, उससे पहले का प्री सेलिब्रेशन हो सकता है। एक तरह से इस बहन धरा ने, इस भारत माता ने अपने भाई को एक राखी के रूप में चंद्रयान को भेजा है और पूरा विश्वास है कि चंदा मामा और चंद्रमा माँ इसको प्यार से स्वीकार करेगा और प्यार से आज वो लैंडिंग पक्की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप भी इसकी दुआ करें और हम निश्चित रूप से इसको खुशी के रूप में मनाएंगे, ये पूरा विश्वास है।